क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट वन, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर. देर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज लट. एवरी ईयर द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय. बी, फाइंड हाउ मेनी ट्रीज विल बी देर इन द विलेज आफ्टर एक्स ईयर. मतलब एक विलेज है जिसमें 8 ट्रीज है. ए मतलब 10 ट्रीज है, समझो कितने ट्रीज है. हम एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए. ए है, ए की जगह हम लिए 10. सपोज एक विलेज है जिसमें कितने ट्रीज है, या अपना घर का गार्डन है जिसमें 10 ट्रीज है, समझो छोटे छोटे, ठीक है. हर साल अपन इसमें कुछ तो ट्रीज बढ़ा रहे, जैसे एक ट्री बढ़ा रहे हर साल अपन, ठीक है. तो एक्स ईयर्स के बाद कितने होंगे, एक्स ईयर यानी सपोज 10 ईयर्स के बाद कितने हो जाएंगे, पहले समझ लो क्या बोला जब, ठीक है. या 5 ईयर्स के बाद कितने हो जाएंगे. देखो यहां पर अपने पास अभी कितने हैं, हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 1 1 1. अच्छा, 1 से बहुत इजी हो जाएगा, 3 पकड़ दे. हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 3. हर साल अपन 3 ट्रीज बढ़ा रहे, तो 5 साल के बाद कितने ट्रीज हो जाएंगे अपने पास, कितने ट्रीज हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे, 25. क्योंकि ये 3 को 5 टाइम्स हमें इनटू करके देखना पड़ेगा, तो मतलब ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 5 15 प्लस 10. अब सपोज अपने पास 100 ट्रीज है और हर साल अपन 30 ट्रीज बढ़ा रहे, तो 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे. हाँ बोलो बराबर है, 400. कैसे पता किया, ये दोनों को इंटू किया, इसमें ऐड किया, समझ में आ रहा है कि नहीं. तो मतलब ये दोनों को इंटू करके इसमें ऐड करना है. तो ए ट्रीज है अपने पास, हर साल वो बी से बढ़ रहे हैं और कितने साल के बाद, एक साल के बाद कितने हो जाएंगे वो पता करना. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, बी इंटू एक्स. सो ए प्लस बी एक्स इज आर आंसर. बस समझ में आ रहा है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है. तो ए प्लस बी एक्स, ये समझ में आया क्या. Yes, इसमें कुछ प्रॉब्लम. सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए परेड देर आर y स्टूडेंट इन ईच रो एंड x सच रोज आर फॉर्म, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन द परेड इन ऑल. एक परेड चल रही है, रो मतलब जो हॉरिजेंटल खड़े, कॉलम मतलब जो वर्टिकल है. तो हर रो में कितने स्टूडेंट है, यहां नहीं बोल रहा हूं मैं, हर रो में कितने स्टूडेंट है, y स्टूडेंट है. ऐसे कितने रोज बनाए गए हैं, x रो बनाए गए, तो हमें बोलना है टोटल स्टूडेंट कितने. अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, y मतलब सपोज अपने पास एक रो में 7 स्टूडेंट्स है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. और ऐसे x रो अपन ने बनाया, x मतलब कितने तो भी बनाए, सपोज अपन ने 4 बनाए, तो टोटल कितना हो गया, कैसे, हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा. गिनते नहीं बैठेंगे, 1 2 3 4 5, ये 7 इंटू 4 कर देंगे, यानी y इंटू x कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, y इंटू x. y इंटू x क्या हो जाएगा, हो गया. तो यहाँ पर थर्ड वन, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज यम एंड यन रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मतलब इन ऑर्डर, टेंस प्लेस पे यम है और यूनिट प्लेस पे यन है. राइट द पॉलीनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से. कहां जाके खत्म होते हैं, 99. सपोज एक नंबर लेते हैं 29, क्या नंबर लिया, 29. इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9. टेंस प्लेस पे कौन सा है, 2. यूनिट प्लेस जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, किससे होता है, और टेंस प्लेस किससे होगा, 10. 9 1 2 10 20. ये दोनों मिला के हो जाएंगे 29. हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यम है, सॉरी यन है, और टेंस प्लेस पे. तो इसको अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
और इसको यन इंटू वन यन टेन इंटू यम, तो हमारा आंसर है टेन यम प्लस यन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एड एड द फॉलोइंग, अब एड द फॉलोइंग करते हो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, कर देते इसको कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब फाइव एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। यहाँ पावर, यहाँ पावर, यहाँ यहाँ ऑर्डर में है। अब बस कुछ नहीं, फिर जैसे जनरली अपन ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे, एक के नीचे एक लिख के। अगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन लिख दो, तो इसको ऊपर लिखो उसको नीचे लिखो, वन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस नाइन, फाइव एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हो कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्लस नाइन माइनस नाइन विल बिकम जीरो। यहाँ देखो, यहाँ से ऐड करके जाते हैं लेफ्ट साइड से, वन प्लस सिक्स सॉरी वन प्लस फाइव सिक्स एक्स क्यूब प्लस, यहाँ प्लस है या माइनस है तो बड़े नंबर की साइन आएगी माइनस, टू माइनस जीरो टू एक्स स्क्वायर, टू प्लस जीरो प्लस नाइन माइनस नाइन जीरो। ये हमारा आंसर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस जीरो। जीरो लिखो मत लिखो, एक ही बात, माइनस सेवन एम रेस टू फोर प्लस फाइव एम क्यूब, इसके बाद स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो जीरो एम स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस रूट टू सेमीकोलन। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइव एम रेस टू फोर माइनस थ्री एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस सिक्स, एक के नीचे एक लिख दो, सॉल्व करो, माइनस सेवन एम रेस टू फोर प्लस फाइव एम क्यूब प्लस जीरो एम स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस रूट टू, हाँ फाइव एम रेस टू फोर माइनस थ्री एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस सिक्स माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टू प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस टू प्लस जीरो प्लस टू प्लस टू जीरो प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस रूट टू, नहीं हो सकता तो माइनस सिक्स प्लस रूट टू ही लिखो उसको, माइनस सिक्स प्लस रूट टू कुछ नहीं होता है तो माइनस सिक्स प्लस रूट टू ही होता है। ठीक है, ये है आंसर्स। प्रैक्टिस है 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 सबट्रैक्ट। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ऐड वाला था, इसमें सबट्रैक्ट वाला है, पर रूल वही है कि लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं और लाइक टर्म ही सबट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो फर्स्ट वन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो क्या आएगा, सबसे पहले सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस रूट थ्री। सेपरेट करने के लिए एक के नीचे एक लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री, यहाँ है सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस रूट थ्री। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब कोएफिशिएंट वन। यहाँ देखो आप एक मिनट के लिए, एडिशन में डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, पर जब सेपरेट कर रहे हैं तो नीचे जो पॉलीनोमियल उसके सारे साइन हमें अपोजिट करने पड़ेंगे। ये माइनस लिखते ही सारे साइन अपोजिट होंगे, जहां माइनस दिख रहा है वो हो जाएगा प्लस और जहां प्लस दिख रहा है वो हो जाएगा माइनस। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां वन से पहले कौन सी साइन है? प्लस है। यहां सेवन से पहले माइनस, तो अगर एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो तो सब्रैक्शन होता है, वन माइनस सेवन माइनस सिक्स बड़े नंबर की साइन के साथ। यहां बड़ा नंबर कौन सा है? 19, उसकी साइन क्या है?
प्लस, तो आंसर प्लस में आने वाला है, लेकिन दोनों में से एक प्लस है एक माइनस है तो करेंगे सबट्रैक्शन ही। 19 माइनस 9 10x, ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन विल गेट कैंसल, क्या हो जाएगा, चाहो तो प्लस 0 लिख सकते हो बट कैंसिल भी कर दो तो चल जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो सभी लोग, ये जिसको नहीं समझ रहा है, ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, 7, उसकी साइन क्या है, तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों को सेपरेट कर दो, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6, क्लियर। सेकेंड और थर्ड करो, यहाँ पर किसी भी टर्म को हम पहले ले सकते हैं, अल्फाबेट में ए पहले आता है इसलिए ए स्क्वायर जिस पे वो पहले लिखेंगे, तो इसमें ए स्क्वायर तो 3 ए स्क्वायर बी, इसके बाद बी स्क्वायर जिसमें आ रहा है वो लिखेंगे, तो इसके सामने कोई साइन नहीं मतलब, सो प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 4ab सेमीकोलन, इसमें ए स्क्वायर इसमें दिख रहा है तो 2a स्क्वायर b माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 3ab, अब बस एक दूसरे के नीचे लिखना है और फिर सॉल्व करना है, 3a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 4ab, 2a स्क्वायर b माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 3ab। यहाँ देखो अभी ये स्टेप बहुत जनों की छूट रही है, जब सेपरेट करते हैं तो ये साइन ऑपोजिट होते हैं, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, अब ये नंबर पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव है, अब ये नंबर 3 इसके सामने कौन सी साइन है, प्लस, और यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है उसकी साइन, यानी आंसर पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3 माइनस 2 1 ए स्क्वायर बी, ये दोनों कैसे है पॉजिटिव है तो ऐड ही होगा तो प्लस की ही साइन आएगी, 10 ए बी स्क्वायर, ये दोनों कैसे है, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो करेंगे ऐड ही, लेकिन बड़े नंबर की साइन देंगे, जैसे यहाँ बड़े नंबर की साइन प्लस है तो प्लस दिया, यहाँ बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस देंगे, हाँ 7ab ये है करेक्ट आंसर, क्लियर। मल्टीप्लाई में क्या होता है, यही दो टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है जो दिए होते हैं, यहाँ दिया है 2x, इसको मल्टीप्लाई करना है x2 - 2x - 1 से, मल्टीप्लाई में लाइक और अनलाइक टर्म्स नहीं देखे जाएंगे, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत दिनों से हम लोग सीख रहे हैं ऑलरेडी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब बाहर जो भी टर्म है वो अंदर के हर एक टर्म से अलग अलग टाइम मल्टीप्लाई होगा, जैसे फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 2x किससे, तो लिख दो 2x इनटू x2, यहाँ साइन कौन सी है, फिर से 2x इनटू 2x, फिर साइन कौन सी है, और फिर से 2x इनटू 1, क्लियर। यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी x के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ भी 1 है। देखो अभी यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स और नंबर्स है, यहाँ एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल वेरिएबल से, ठीक है। 2 × x^1 × x^2 x³ होता है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होते हैं, कहाँ सीखा था, 8th स्टैंडर्ड में, कौन सा चैप्टर था, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, याद है क्या, हाँ, जब पावर बेस सेम हो पावर्स अलग अलग हो बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। माइनस 2 × x^1 × x^1 माइनस 2 × 1 हो गया, या फिर आप ऐसे करो 2 × 1 = 2 और जो बचा है वेरिएबल वो लिख दो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। सेकेंड वन एक बताता हूँ, ये लिख कर, ये इसको एक ब्रैकेट दे देंगे, इसको एक ब्रैकेट दे देंगे, सेमी कोलन की जगह लिख देंगे इनटू, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, अब ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे और वहां के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x^5 इनटू द होल ब्रैकेट x^3 प्लस 2x² प्लस 2, फिर यहां से क्या बचा, माइनस 1 बचा है, क्या बचा है, फिर उसको लेंगे और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x^3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, क्लियर है। ये स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछो, कि यहां से फर्स्ट टर्म लिया पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया,
फिर सेकेंड टर्म लिया और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। यहां से पहला टर्म क्या है, x रेस टू 5, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरा ब्रैकेट उसके सामने लिख दिया। दूसरा नंबर क्या है, माइनस 1, उसको लिया पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है कि एक टर्म यहां से लिया पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर। अब यहां फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाहर का नंबर पहले फर्स्ट नंबर से, फिर बाहर का नंबर सेकेंड टर्म से, फिर बाहर का नंबर, हाँ तो बोलो, x रेस टू 5 इंटू एक्स क्यूब साइन प्लस x रेस टू 5 इंटू 2x स्क्वायर साइन प्लस x रेस टू 5 इंटू 2 माइनस। अब जब बाहर ब्रैकेट के माइनस आता है तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, यहां पर 1 इंटू एक्स क्यूब, ये साइन प्लस है लेकिन बाहर माइनस आने की वजह से ये अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस 1 इंटू 2, क्लियर? यहां देखो, यहां नंबर तो कुछ नहीं है तो नंबर को छोड़ दो, x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 3 x टू द पावर 8 प्लस, यहां x के सामने x रेस टू 5 के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हैं अपन, तो 2 1 जा x रेस टू 5 x रेस टू 2 x रेस टू 7, यहां भी कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो, 2 1 जा, वेरिएबल क्या बचा x रेस टू 5 माइनस, यहां भी कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो, 1 1 जा, वेरिएबल x क्यूब माइनस 2 1 जा, वेरिएबल 2 1 जा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? लिख कर ले। देखो यहां पर, यहां y का कोई पावर नहीं मतलब 1, यहां भी y का कोई पावर नहीं मतलब 1, इजी हो जाएगा अपने लिए। यहां से फर्स्ट टर्म लेना है, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 2y रेस टू 1 इंटू y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y रेस टू 1, क्या बचा है, प्लस 1 इंटू y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y रेस टू 1, क्लियर है? सॉल्व कर देंगे अभी, इसको ऑर्डर में लेके भी सॉल्व करो तो भी चलेगा, मतलब सबसे बड़ा पावर पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, वो भी चलता है। 2y raise to 1 into y raise to 2, इससे पहले कुछ नहीं मतलब 1, minus 2y raise to 1 into 2y cube plus 2y raise to 1 into 3y raise to 1 plus 1 into y square minus 1 into 2y cube plus 1 into 3y raise to 1, clear? सॉल्व करेंगे, 2 1 जा, y raise to 1 y square y cube minus 2 2 जा, y raise to 1 y raise to 3 y raise to 4 plus 2 3 जा, y raise to 1 y raise to 1 plus 1 into y square 1 y square minus 2 1 जा, variable plus 3 1 जा, variable कुछ सेम दिख रहा है, क्या सेम है, 2y cube 2y क्यूब, यहां 2y क्यूब की साइन, वहां तो प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब 0, जो बचा है वो आंसर माइनस 4y रेस टू 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर। अच्छा, ये भी सेम टर्म है तो ये ऐड कर देंगे, 7y स्क्वायर प्लस 3y रेस टू 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमें इस फॉर्म में लिखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड वो होता है जिस नंबर को डिवाइड कर रहे, डिवाइजर क्या होता है जिससे डिवाइड कर रहे, क्वेश्चन क्या होता है जो ऊपर आता है, 3 के टेबल में 10 आता है क्या, तो 3 3 जा 9, कितने बचे, तो इसमें ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है क्वेश्चन और ये है, इनको मिलाकर ये फॉर्मूला बन जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अब इसमें देखो, इसको डिवाइड करना है और इससे डिवाइड करना है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
जब भी हमें डिवाइड करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बोलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स डिवाइडेड विथ एक्स माइनस फोर। क्लियर है क्या सभी को? चलो फिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन की हेल्प लेंगे, जो डिविडेंड है उसको अंदर लिख देंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस 64। यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब वन। इसको किससे हम डिवाइड करना है? एक्स माइनस फोर से। तो यहाँ पर स्टेप्स आ जाएंगे, एट में सीखा था ऐसा। स्टेप नंबर वन, एक्स माइनस फोर को किसी से मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस फोर को किसी से मल्टीप्लाई करना है जिसमें पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब आए। इसको किससे मल्टीप्लाई करके पहला टर्म एक्स क्यूब आ सकता है? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बीच में साइन, फिर एक्स स्क्वायर इंटू फोर, फोर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने? आंसर क्या आ गया आपका? एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन ऑपोजिट हो जाएगी, ये इसके सामने कोई साइन नहीं मतलब, और इसके सामने दोनों सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसिल। ये स्टेप क्लियर है सबको? इसको ऐड कर लो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फोर प्लस जीरो फोर एक्स स्क्वायर, बाकी जैसा है वैसे ही लिख दो, जीरो एक्स माइनस 64। अब फिर से सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स माइनस फोर को किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये फर्स्ट नंबर क्या मिल जाए, फोर एक्स स्क्वायर मिले। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4x से करेंगे, 4x इंटू एक्स साइन माइनस 4x इंटू फोर 16x। क्लियर है? तो हमने मल्टीप्लाई किया है 4x के साथ, 4x के सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, आंसर आया 4x स्क्वायर माइनस 16x। सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो ये साइन हो जाएगी ऑपोजिट, ये सेम टर्म कैंसिल, 16 प्लस 0 इज 16 एक्स माइनस। फिर से थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस फोर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा फर्स्ट टर्म क्या आए, 16x आए। किससे करेंगे? 16 इंटू एक्स, 16 फोर जा, तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 16 से, आंसर क्या आया, 16x माइनस 64। ये जब माइनस होता है तो ये अपोजिट, ये सेम टर्म विद डिफरेंस साइन कैंसिल, सेम टर्म विद डिफरेंस साइन कैंसिल, जीरो। क्लियर है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो इसमें डिविडेंड क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हैं? एक्स क्यूब माइनस 64 को कर रहे हैं। किससे डिवाइड किया है? एक्स माइनस फोर से किया है। क्वोशेंट क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16। रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सेकंड वन देखो आता है क्या। देर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म हुज लेंथ इज 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड ब्रेथ इज a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर टाइप का फॉर्म है, यानी एक रेक्टेंगुलर टाइप का खेत है। द फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट टू बिल्ड द हाउस। यह जिसका खेत है उसने क्या किया, खेत में से थोड़ा सा एक स्क्वायर टाइप का प्लॉट निकाला घर बांधने के लिए वहीं पर। अब इसकी जो लेंथ है पूरे खेत की वो है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और ब्रेथ है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जो उसने एरिया निकाला है अपना घर बांधने के लिए उसका साइज है a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फार्म बोला है। अब इतना घर बन लिया इस पे तो बचा हुआ फार्म कितना है वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है भाई अपनी? 2a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दो इसको, इनटू ब्रेथ कितना है अपना? कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, यहां से फर्स्ट टर्म लो, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब वन, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब वन, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब वन, टू ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या? टू वन जा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेस टू फोर, टू वन जा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो कब ऐड होंगे? जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते, हाँ प्लस थ्री वन जा वेरिएबल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस थ्री वन जा ये दोनों सेम टर्म है देख लो, तो वो ऐड हो जाएंगे टू ए स्क्वायर प्लस लाइक टर्म्स है इसलिए ऐड कर रहे फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी रेस टू फोर, और कुछ सॉल्व होगा क्या बोलो? नहीं, तो यही है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना है? टू ए रेस टू फोर प्लस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी रेस टू फोर। अब इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, सो फॉर स्क्वायर प्लॉट कौन सा फॉर्मूला लेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का? साइड इनटू साइड, साइड कितनी दिया है स्क्वायर की? ए स्क्वायर माइनस इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है? ये पहला टर्म लो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बाहर माइनस आया तो अंदर की साइन चेंज होती है, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, इनके सामने कुछ नहीं मतलब वन, इसके भी सामने कुछ नहीं मतलब वन, ए रेस टू फोर माइनस वन माइनस वन प्लस साइन बड़े नंबर की यानी माइनस की माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, ये है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेंगे, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अब निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको दो इक्वेशन बी, इसको दो इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी इसकी वैल्यू है अपने पास टू ए रेस टू फोर प्लस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी रेस टू फोर, इसकी भी वैल्यू है अपने पास माइनस ए रेस टू फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, यहां सामने कुछ नहीं मतलब वन, ब्रैकेट के बाहर निकालो सबको, इसके सामने ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है तो एज इट इज बाहर टू ए रेस टू फोर प्लस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी रेस टू फोर, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइन अपोजिट माइनस वन ए रेस टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, जो सेम टर्म है अलग अलग साइन के साथ कैंसल, सेम नहीं है तो लाइक टर्म्स एक जगह लो, जो सेम दिख रहे हैं उसको एक जगह लो, मतलब जिसके पावर सेम है, जैसे 2a रेस टू 4 और रेस टू 4 वाला b नहीं a वाला माइनस है उसके सामने माइनस 1a रेस टू 4, ये देखो प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर, और कहां दिख रहा है? प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, बाद में b स्क्वायर वाला प्लस 3b स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेट कर दो 2 माइनस 1 यानी a रेस टू 4 प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की
टू बी रेस टू फोर, ये है हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आंसर देना था जो हो गया है। समझ में आ रहा है क्या, लिख कर लो।